भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आइए जानिए कि माता काली को खुश करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं और इनका मंत्र क्या है। आइए पहला उपाय जानते हैं। कालिका माता का यह अचूक मंत्र है, इससे माता जल्द सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल न करें, यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, चार वीर भैरो चौरासी, चार बत्ती पुंजून पान, ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहें। दूसरा उपाय भी जान लेते हैं। देवी के समक्ष धूप जलाना। मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गुग्गुल की सुगंध की धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं व दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप करें। आइए जानते हैं तीसरा उपाय, जो कि है लक्ष्मी बंधन। यदि ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली अगरबत्ती लगाएं या धूप बत्ती लगाएं। ध्यान रहे अगरबत्ती बांस वाली नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें हर तरह के बंधन को काटने की। इसके बाद चौथा उपाय है कालिका माता से क्षमा के लिए। अगर किसी मानसिक कलह तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर भी कई कई बार बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें कि आप आज के बाद कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। और ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही ऐसा करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार को कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल हार फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम अक्षत गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं चढ़ावे के तौर पर। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद और धन्य हो जाता है। आइए जानते हैं पांचवा उपाय, शनि दोष से मुक्ति हेतु। शनिवार के सरसों के तेल, काले तेल, काली उड़द आदि लेकर माता कालिका का विधि विधान से पूजा करेंगे तो शनि दोष भी दूर होगा। आइए जानते हैं छठा उपाय, महाकालिका साबर मंत्र। माता कालिका का यह साबर मंत्र है। इसे साधना करना हो तभी पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें। इसे शुद्ध और पवित्र होकर ही पढ़ें, अन्यथा आपके साथ बुरा घटित हो सकता है। अच्छा होगा कि किसी जानकार से पूछ कर ही पढ़ें या फिर आपका कोई गुरु हो उनके समक्ष उनके सानिध्य में पढ़ें। ओम निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत्सार, तत्सार मध्य ज्योत, ज्योत मध्य परम ज्योत, परम ज्योत मध्य उत्पन्न भई माता शंभू शिवानी काली। ओ काली काली महाकाली कृष्णवर्णी सववाहिनी रुद्र की पोषणी, हाथ खप्पर खड़गधारी गले मुंड माला हंसमुखी, जिह्वा ज्वाला दंत काली मध्य मांसकारी शमशान की रानी, मांस खाए रक्त पीवे भस्मंती माई जहां पर पाई तहां लगाई, सत की नाती धर्म की बेटी इंद्र की साली, काल की काली जोग की जोगिन नागों की नागिन, मन माने तो संग रमाई नहीं तो शमशान फिरे अकेली, चार वीर अष्ट भैरव घोर काली अघोर काली, अजर बजर अमर काली भक जून निर्भय काली बला भक, दुष्ट को भक
काल भक पापी पाखंडी को भक जति सती को रख ओम काली तुम बाला न वृद्धा देव न दानव नर ना नारी देवी जी तुम तो हो पर ब्रह्म काली। ओम क्रीम 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 हूं हूं ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम हूं हूं ह्रीम ह्रीम स्वाहा। सातवां उपाय, काली माता के मंत्र एकाक्षर मंत्र। एकाक्षर मंत्र है क्रीम। इसे चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। द्विअक्षर मंत्र क्रीम क्रीम तांत्रिक साधनाएं और मंत्र सिद्धि के लिए उपयोग होता है। त्रिअक्षरी मंत्र क्रीम 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 तांत्रिक साधना के पहले और बाद में जपा जाता है। ज्ञान प्रदाता मंत्र ह्रीम दक्षिण काली का मंत्र ज्ञान के लिए यह इस्तेमाल होता है। चेतक मंत्र क्रीम 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 स्वाहा दुखों का निवारण करके धन धान्य की वृद्धि एवं पारिवारिक शांति के लिए इसका उपयोग होता है। छह अक्षरों का मंत्र क्रीम क्रीम फट स्वाहा सम्मोहन आदि तांत्रिक सिद्धियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आठ अक्षरों का मंत्र क्रीम 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 स्वाहा उपासना के अंत में जप करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र का जप नवरात्रों में विशेष फलदायी होता है। देखते हैं ग्यारह अक्षरों का मंत्र ऐं नमः क्रीं क्रीं कालिकाये स्वाहा। इस मंत्र का अत्यंत दुर्लभ और सर्व सिद्धियों को प्रदान करने के लिए यूज होता है। उपरोक्त 5, 6, 8 और 11 अक्षरों के इन मंत्रों को 200,000 की संख्या में जपने का विधान है, तभी यह मंत्र सिद्ध होता है। माँ काली की साधना का सरल उपाय, माता की सरल भक्ति ही करें। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर मांस मदिरा छोड़कर माता के मंदिर में जाकर गुग्गल की धूप लगाने के बाद गुग्गल के फूल चढ़ाए और माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें। ऐसा 21 शुक्रवार को करने के बाद जो 21वें शुक्रवार को माता को काली चुनरी चूड़ी बिछिया आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। माता प्रसन्न होगी तो 100% आपकी हर तरह की मनोकामना को वो पूर्ण करेंगी। संकट जड़ से कटा जाएगा, धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति भाव से परिपूर्ण ज्ञान मंत्रों और पूजा के विधि विधान और वेदों का सार जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आप पर आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें और संकटों से दूर रखें। जय मां काली जय मां काली जय मां काली।